अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही मैं आप लोगों के साथ एक और प्रिंटर है, एचपी लेजरजेट P1606dn। इस प्रिंटर का ये इशू आ रहा है कि ये जब प्रिंट वगैरह देते हैं तो इसके ये एग्जिट पे आते पेपर जैम हो जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट देख के। यहाँ पे पेज रोक लिया, दूसरा पेज इसने हाफ में रोक लिया, तो ये वाला इशू इसमें आ रहा है, ये हम आपको चेक करके बताते हैं। इसको हम ओपन करेंगे पहले,
ये बैक साइड है जिससे पेपर मूव होके जाते हैं, ये ऊपर नीचे, ये सब फ्यूज यूनिट है,
ये देखें गाइड, ये इसके फ्यूज यूनिट बिल्कुल स्लीव जो है ना ख़त्म हुई है। उसके बाद प्रेशर वाल्व को भी चेक कर लेते हैं, इसको भी निकाल के चेक कर लेते हैं। ये फर्क है, हम ये इससे पहले जो सिलिकॉन ऑयल लगा हुआ है ये हार्ड हुआ है, इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे।
सिफारिश। ये हो गया फ्यूज जॉइंट सलीव, तो आप लोगों ने देखे ये इसकी सलीव रिप्लेस की। अब इसे हम इसको गया, अब इसको भी हम कर लेंगे साथ ही।
ये हो गया। ये टोनर का होता है, इसको हम साइड कवर खाली लगा के चेक करेंगे पहले। हम
बिल्कुल, ये देखें प्रिंट बिल्कुल ओके हुआ है, पहले बैक इमेज दे रहा था सारा कुछ। इससे पहले वाला रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर, ये आपने प्रिंट देख लिया, और इससे पहले जो कंडीशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंडीशन थी इसकी, एक तो ये चीज़ कर रहा था, दूसरा ये है कि ये पेपर रोल कर रहा था। ये देखें पेपर की हालत, ये पेपर को रोल कर देता था, कभी इधर मिड में फंस जाता था, कभी टोनर के नीचे फंस जाता था, इसका ये इशू था। तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो, इसमें स्लीव ये नया मॉडल है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की कि इसका ओपन करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया, ताकि जो नए यूज़र हैं वो इजीली इसको ओपन कर सकें। और इसका ये सारी चीज़ें चेक कराने का मकसद ये है कि ये पूरा प्रिंटर इसलिए खोला है और ये बड़ी वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को सही तरीके से गाइडलाइन मिल सके ये असेंबल कैसे होता है, डिसअसेंबल कैसे होता है। और ये इसका इशू था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। अब इसको बाकी मैं क्लोज़ करता हूँ, तो मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।